ग्वालियर में दो बाइक में टक्कर के बाद हुए विवाद में छात्र को गोली मार दी। छात्र बुधवार दोपहर दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा था। शताब्दीपुरम टाइगर चौक पर उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई थी। आरोपी ने अपने और साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जब छात्र उन पर भारी पड़ने लगा तो उन्हीं में से एक युवक ने कट्टे से गोली चला दी। इसके बाद वे फरार हो गए। पुलिस रंजिश के एंगल पर भी जांच कर रही है। मूलतः भिंड का रहने वाला अंकित शर्मा, जिसकी उम्र 21 वर्ष, ग्वालियर में राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा था। साथ ही वह प्राइवेट नौकरी भी करता था। पिता भिंड में ही किसानी करते हैं। अंकित महाराजापुरा के शताब्दीपुरम में मां और भाभी के साथ रहता था। बड़ा भाई जयपुर में प्राइवेट जॉब करता है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे वह बाइक से दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जाने की बात कहकर घर से निकला था। वह डीडी नगर के टाइगर चौक रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक सामने से आ रहे बाइक सवार से टकरा गई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। छात्र को निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे जयारोग्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। JAH में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के CCTV खंगाल रही है। अंकित के दोस्त शिव चौहान ने बताया कि अंकित का दीनदयाल नगर स्थित टाइगर चौक पर गाड़ी टकराने के बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दूसरे लड़कों ने कुछ साथी बुला लिए। इस दौरान अंकित को गोली मार दी। हालांकि गाड़ी टकराने पर विवाद बताया जा रहा है, अन्य कारण भी हो सकता है। महाराजापुरा थाने के ASI सुरेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे CCTV खंगाले हैं। आरोपियों की पहचान के लिए कोशिश की जा रही है। फिलहाल केस दर्ज कर जांच की जा रही है। आए कि लेकिन गाड़ी से इतना वो नहीं होता कि आपस में हल्की सी गाड़ी टकराए हो, इतना मर्डर हो जाए उसमें। वो तो कुछ पुरानी होगी, तो पता चलेगा अभी। कितने लोग थे वो? बता रहे 3-4 लोग थे वो। शताब्दीपुरम में आज दोपहर में गोली लगने की सूचना मिली थी, तो मुझे बताया गया कि वो JH में पहुँच गया है वो।